हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले गेट वर्सेस एसएससी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बात करने वाले। और मेरे साथ में हैं शिशिरदास सर, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिकल का एसएससी वाला जो मैक्सिमम पोर्शन होता है कि कैसे प्लान होगा, कौन क्या क्लास लेगा, पूरा अरेंजमेंट जो प्लानिंग होती है पूरा का पूरा दास सर देखते हैं। तो दास सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि वो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करे कि वो एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करे? कोई पैरामीटर जिसको ये देख के उसको सोचना चाहिए कि मैं ये करूँ प्रिपरेशन? हेलो एवरीवन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को अपना एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। और वो सेल्फ एनालिसिस इस बेस पे होता है कि आपके पास दो अलग अलग एग्जाम है, एक एसएससी एक गेट है। दोनों का पेपर का जो पैटर्न है और पेपर का जो टफनेस लेवल है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम लोग एसएससी की बात करें तो एसएससी में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम सिंपल टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट पैटर्न देखा गया, उसमें वो जो प्लान करते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ना ट्विस्टिंग करते हैं। और जब ट्विस्टिंग करते हैं तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है या फिर वो पढ़ के नहीं रखा है, तो वो लोग वो ट्विस्ट को समझ नहीं पाते। तो जब आप एसएससी की प्लान कर रहे हैं तो आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए या फिर आपके पास एक कंसेप्ट या फिर नॉलेज होना चाहिए, जहां आप बेसिक चीज़ों को पढ़ के उससे जो एक्सट्रैक्ट करना है चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप कर सको, तो आपके लिए एसएससी बहुत अच्छा है। मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो, आपकी ट्विस्टिंग समझ में, आपकी रीजनिंग अच्छी हो, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा हो, तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गेट की तैयारी कर रहा है तो गेट जो है सर थोड़ा इनडेप्थ है, हम सबको पता है। वहाँ पे जो तैयारी करनी पड़ती है वो न्यूमेरिकल की तैयारी करनी पड़ती है, कंसेप्ट डेरिवेशंस का कनेक्शन कैसा होता है ये सब चीज़ें जाननी होती है। तो अगर कोई स्मार्ट बंदा है कि उसको पहले से ये पता है कि मैं जो है वो टेक्निकल पार्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, एक डेरिवेशंस के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को मैं तोड़ के समझ सकता हूँ, मैं जब न्यूमेरिकल आया तो उस न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यूज़ जो पुटअप करना है उसको पुटअप करके कम समय में आंसर मुझे निकालने आना चाहिए, ये सब क्वालिटी अगर किसी बच्चे में है तो उसको गेट की तरफ जाना चाहिए। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है और दोनों चीज़ों की प्लानिंग साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपना एनालिसिस कर लेगा कि मैं दोनों में हैंड रख के प्रॉपरली एक साल के अंदर पूरी तरीके से दोनों एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो उसको दोनों की तैयारी करना चाहिए। नहीं तो उसको अपने आप को डाइवर्ट कर लेना चाहिए कि पहले मैं गेट दे लेता हूँ, अगर वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं एसएससी की तरफ देखूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, ऐसा मेरा भी मानना है सर कि जैसे एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है और उसको लगता है कि जो गेट है वो आउट ऑफ द बॉक्स है उसके लिए, क्योंकि उसका इतना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसका उतना अच्छा नहीं है, और अगर उसको अगर निकालना है तो मेरे को लगता है, देखो एसएससी की प्रिपरेशन करने से मेरे को लगता है कि जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, एजे के एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं सभी एग्जाम्स के पूरे क्वेश्चन को देख लूँ कि क्या क्या थ्योरेटिकल आते हैं और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी क्या आते हैं, अगर इंडिया के 8-10 जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उन सबको अगर मैं कवर कर लूँ, और जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उस कोई भी स्टेट में अगर मैं ऐसे एस्पिरेंट अगर बात करूँ, जैसे अभी वेस्ट बंगाल का है तो वहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को भी एडवांटेज है क्योंकि उनका उनका अभी एग्जाम होने वाला है, या जम्मू कश्मीर में है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि अगर अलग अलग स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं और अगर वो अपने एसएससी को अगर अलग अलग स्टेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी के एग्जाम को भी अच्छे से रेडी करते हैं, तो पॉसिबिलिटी, अगर मेरा बहुत टेक्निकल कंसेप्ट अच्छा नहीं है, मेरा डेप्थ मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो मैं अगर गेट की प्रिपरेशन करने नहीं जा रहा हूँ तो मैं क्या एसएससी के साथ एक ऐसे इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट क्या रिस्क ले सकता हूँ कि मैं वैरायटी ऑफ एग्जाम्स के लिए एग्जाम दे सकूं? सर, एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ना गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी में इनके लिए काफ़ी काउंट ऑफ सीट्स रहते हैं। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो यहाँ पे 400 से 600 सीट्स निकलता है, किसी भी स्टेट की बात करें तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निकलता है तो इनको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और हर एक स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो जो भी स्टेट में कोई भी स्टूडेंट बिलोंग करता होगा तो उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आ ही जाती है। और अगर आपके स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आई तो उसमें इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलेगा ही। अब खास बात ये हो गया सर, पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ना डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बांट दिए, डिफरेंट डिविजन दे दिए, ट्रांसमिशन अलग हो गया, जनरेशन अलग हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। अब जो वैकेंसी निकलती है उसमें ट्रांसमिशन का अलग से निकलता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से निकलता है और जनरेशन का अलग से निकलता है। और ये तीनों वैकेंसीज अलग अलग डेट्स पे निकलता है या फिर एक ही साल में डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में निकलता है।
और खास बात यह कि इन तीनों का जो सिलेबस है वो सिमिलर है, मतलब सिमिलर है मतलब आपने अगर मशीन पढ़ के रखा है, पीएसए पढ़ के रखा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के रखा है, नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6-7 सब्जेक्ट अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो सारे एग्जाम्स में वेटेज जो है वो इन सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रहता है। उसके अलावा एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटेबिलिटी, जिसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसे 5-7 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करके रखते हैं तो आपका अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन निकला है किसी स्टेट में, ट्रांसमिशन में नहीं होता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन की फिर से निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हुआ तो आप जनरेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को रहता है। प्लस जब भी किसी स्टेट का पीएससी का एग्जाम आता है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल का आया है, तो वहाँ पे सिविल के कंपेरिजन में हमारा सीट्स कम रहता है, लेकिन हमने मात सिविल वालों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो दे दिया, अब उनके कंपेरिजन में कम रहता है। फिर भी मैं बोलूँ तो कम से कम 100-200 सीट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है। okay. तो अगर आपसे ये तीनों कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाया तो एक और अपॉर्चुनिटी है ये पीएससी का, जैसे अभी वेस्ट बंगाल पीएससी निकला है, उड़ीसा का निकला हुआ है, जम्मू कश्मीर का निकला हुआ है, तो ये सब चीजें भी आप इलेक्ट्रिकल okay. तो ये सब भी मैं अटेम्प्ट ले सकता हूं। और सीएससीबी में जब भी सीट्स निकलती है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का ही प्रायोरिटी रहता है, 90% तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ही चाहिए रहता है। मेरा एक और चीज है कि जैसे आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर सोच रहे हो कि मैं ठीक ठाक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, अगर आप एक ठीक ठाक एक गुड इंजीनियर हो और आप अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को थोड़ा लाइक करते हो, कंसेप्चुअल चीजों को भी लाइक करते हो, तो मेरे को लगता है कि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ जब भी आपको एसएससी या स्टेट पीएससी का मौका मिले देने का तो आपको देना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आईओसीएल का रिजल्ट आया तो इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट लोग अपना अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किए, इतने कम एज में आईओसीएल में जब आप जॉब करते हो तो एक अलग ही फील फैक्टर आता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। बट उसके लिए पहले से प्लान करना होता है, पहले से एजुकेशन के लिए देखना होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे एंड करें, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जब इंजीनियर की बात करें तो बहुत एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स है जो बहुत मतलब इतने सालों में अपनी मतलब लास्ट 3 ईयर्स में इतने सारे लोग अपनी बी कंप्लीट कर चुके, कई लोग की बी रनिंग में, तो इतने सारा कॉम्पिटिशन तो है। इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग भी उस लेवल की होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी उस लेवल का होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करते हैं तो आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। आप इस बात को नहीं सोच सकते कि सर इतने सारे इंजीनियर्स हमारा कैसे होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसमें से जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 90% लोग तो कभी भी ना उतने सिंसियर होते ही नहीं कभी भी अपने फ्यूचर को लेके, तो 10% लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन है। आप अगर अपना अच्छा प्लान करेंगे तो अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो गेट वर्सेस एसएससी में मेरे को लगता है कि थोड़ा स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। कुछ लोग गेट और एसएससी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ओनली एसएससी सिलेक्ट करना चाहिए, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं अभी गेट दे देता हूं, बाद में देखेंगे एसएससी का। तो सबको अपना अपना प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी आपका पोटेंशियल है, तुम्हारा जो खुद का पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए। सर मेरे को ये भी लगता है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हों और मैं अगर बहुत ही अच्छा पढ़ने में हूँ तो मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का भी अच्छे से दे देना चाहिए एग्जाम, मेरे को गेट का एग्जाम भी देना चाहिए। इवन मैं तो देखता हूँ सर कुछ लोग ना इलेक्ट्रिकल से अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे देते हैं, बहुत अच्छा गेट में रैंक ला लेते हैं, उसके बाद 1-2 साल बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लेके भी निकाल लेते हैं। तो सर ये सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, जैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, लेकिन मैं कुल मिला के बात करूं तो सारे जो जितने भी एग्ज़ाम पे, चाहे आप यूपीपीएससी की बात करें या फिर आप एईजेई किसी स्टेट की बात करें या पीएससी की बात करें या फिर किसी जनरेशन की बात करें, बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और कोई अगर स्मार्ट स्टूडेंट है और इस बात को समझ गया कि क्वेश्चन सिमिलर होते हैं और उसने किसी भी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन अपने पास रखा हुआ है कि पिछले 10 साल में इंडिया में जितने भी एईजेई के एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स हुए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस वैरायटी के होते हैं, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में के जो एग्जाम हुए उसके क्वेश्चंस किस वैरायटी के होते हैं, उसका कलेक्शन अगर किसी के पास है और वो समझ गया कि भाई ये कलेक्शन मेरे को तैयार करना है, बस इतना ही और यहीं से आएगा, यहीं से आएगा तो एकदम यकीन मानिए सर 90% क्वेश्चंस ना वहीं से आते हैं और आएंगे वैसे। आप ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए होंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो पूरे ले लो, जितने एसएससी के क्वेश्चन आए होंगे ट्रांसफार्मर के पूरे ले लो, अब कोई भी एग्जाम तो उसी में से आएगा क्वेश्चन, वो कहां से आएगा, एकदम उसी में से आएगा। और क्या ही पूछेंगे, और कुछ पूछने मतलब सब्जेक्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक अच्छी प्लानिंग रखनी है कि भाई इतना पार्ट है अलग अलग टॉपिक का, ये मुझे तैयार करके एग्जाम हॉल में जाना है। और कई बार ये भी हो सकता है सर, इस वैरायटी के क्वेश्चंस ना थोड़ा सा याद भी करना पड़े, ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि गेट का जो एग्जाम होता है उसमें याद करके चीजें जाए तो वो काम नहीं करता है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ऐसा होता है कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप कंसेप्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं है और आपका
मेमोरी जो है उतना स्ट्रांग है कि आप चीजों को याद रख सकते हैं, तो वो भी काफी स्टूडेंट्स में काम करता है और मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट उसको याद रखते हैं, उनसे एडवांटेज मिलता है, उनको बहुत एडवांटेज मिलता है जबकि वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते। हाँ, कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होते। मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर कंसेप्ट तो नहीं जानता था लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे तो एग्जैक्टली वही आ गया, तो मैं लगा दिया मतलब ये एडवांटेज स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। अगर AEJEE की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गेट के लेवल तक का अप्रोच नहीं जानते तो भी आपका काम हो जाता है, तो आपको उतने हाई फाई चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मैं किसी स्टेट की AEJEE की तैयारी करूंगा या फिर SSC की तैयारी करूंगा, अगर आप गेट को एलिमिनेट करते हैं। सर मेरे को क्या लगता है, पता है क्यों लोग पैनिक करते हैं या लोगों से क्यों नहीं निकलता है? लोग ना तब प्रिपरेशन करते हैं जब ना उसका अनाउंसमेंट होता है, नोटिफिकेशन। तो मेरे को लगता है सर, और उसी समय माहौल बनाते। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं इस चीज का वेट क्यों करूँ कि CACV का कब एग्जाम होने वाला है, मैं इस चीज का कब वेट करूँ कि SSC का होने वाला। सर मेरे को करना है तो मेरे को आज से करना है, अब एग्जाम का भी वेट करूंगा तो कितने सारे लोग लीड कर ले होंगे। तो लोग ना सोचते कि 2 महीने में निकलेगा। सर 2 महीने में निकलता है, लेकिन जब इंडिया जैसी कंट्री में जब बिग कॉम्पिटिशन होता है ना सर, तो फिर 2 महीना बहुत कम हो जाता है। तो लोगों को ना अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है, आज से अगर मैं नोट्स बनाऊं प्रॉपर, और जो आप बोल रहे हैं ना कि 80-90% तो वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने डिफरेंट PSC या AEJEE के जितने एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत कोई नहीं करता है। जो क्वेश्चन फ्रेमिंग हुए उसके लिए भी कुछ मेहनत नहीं होती। गेट इज समथिंग डिफरेंट, गेट डिफरेंट है ना। तो आप अगर, मेरे को लगता है 6-7-8 महीने अगर अपना रगड़ के पढ़ रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि एग्जाम कब होने वाला है। मैं बोलता हूँ कि एडवांटेज मेरे को लगता है सर उसको होता है जो ये बिना सोचे स्टडी कर लेता है कि यार एग्जाम तो होगा, मैं भी पढ़ता हूं करके, और फिर जब एग्जाम आएगा तो वो तो रेडी था ही सर, उसको एडवांटेज मिल जाएगा। ये RRB का सर, ये एडवांटेज स्टूडेंट ले सकते हैं क्योंकि RRB की वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं आई है और RRB डेफिनेट है कि वो आने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली अगर RRB के पैटर्न में तैयारी कर रहा है और उसको पता है कि RRB आएगा तो मेरे को एग्जाम देना ही है, मैं एज क्राइटेरिया और बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ, तो उसको कंटिन्यूसली उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, अभी SSC एग्जाम हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट ये वेट करेंगे कि अगला नोटिफिकेशन, क्योंकि पिछले 2 साल में SSC के नोटिफिकेशन में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है। लेकिन अगर स्टूडेंट ये सोच के वेट कर रहा है कि अब जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो उसको अभी से SSC की तैयारी में लग जानी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का ये सारा एग्जाम्स है और ये निकलना बिल्कुल तय है। सर मैं तो सीक्रेट बता रहा हूँ कुछ स्टूडेंट लोगों को, अगर थोड़ा सा भी एक इंजीनियर है, अगर वो स्मार्ट है और इंडिया में उनको अगर उसको पता है कि इलेक्शन कितना मैटर करता है, तो आपको क्लियर होगी 2024 में इलेक्शन होगा और इस बार जो इलेक्शन इस बात पे जरूर लड़ा जाएगा, ये अपोजिशन जो होगा वो इस बात पे जरूर लड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट पे, क्योंकि अपोजिशन के पास ये वाला पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है और ये गवर्नमेंट को, जो करेंट गवर्नमेंट है उनको पता है ये वाला पॉइंट कि ये बेरोजगारी वाला जो पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट एक मुद्दा बनेगा। तो 2023 जो अभी जो नेक्स्ट जो 12 मंथ है, नेक्स्ट 12 मंथ मेरे को लगता है कि लास्ट 5 साल से मैं कंपेयर करूँ, पिछले 4 साल चले गए और 1 साल अभी जो आने वाला है, ये 5 ईयर्स का सबसे जो गोल्डन टाइम होगा ये 2023 होगा किसी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो 2024 में जब इलेक्शन होगा तो ये 1 ईयर गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस लास्ट के 12 महीने में क्या किया। और आप जानते हो कि जब इलेक्शन होता है तो रोड बन जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग रहती है, कई पुल जो रहते हैं वो पुल बन जाते हैं, 1 साल में वो काम हो जाता है जो कि 10 साल में नहीं हुआ, 1 महीने में वो रोड बन जाती है जो कि 10 साल में रोड नहीं बनी। आप समझ सकते हो इस बात को। तो 2023 मेरे को लगता है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 में होने वाला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन टाइम रहेगा। 2024 के बाद मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस टाइप की चीज़ें चलेगी, लेकिन 2023 में मैं श्योर हूँ कि ये सीक्रेट है कि आपको अपना जान लगा देना चाहिए इस 1 साल के लिए कि आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली, जितनी हो सकता है कि 2024 में इलेक्शन के बाद उतनी अपॉर्चुनिटी ना हो, तो इस 1 साल में इतनी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना चाहिए। जितने भी एग्जाम हो रहे हो, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा निकलेगी, याद रखिएगा इस बात को, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा निकलेगी क्योंकि पिछले 4 सालों में इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं आई है, तो पूरा वैकेंसी जितना भी बचा हुआ है ना पेंडिंग, सब 2023 में देखने को मिलेगा, यकीन मानिए। और अगर फ्यूचर में कुछ वैकेंसी आने वाली है वो भी जल्दी से आ जाएगी और 23 में ही एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिजल्ट भी आपका इलेक्शन से पहले आ जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। क्या बोलते हो सर इस बारे में? रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही सर इलेक्शन के पहले हो जाएगा। अभी तक जितने भी बैकलॉग्स थे, जितने भी पेंडिंग्स थे, वो सारे प्रोसेस जो है वो इस साल में होने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पहले से तैयारी कर रहा है तो वो हो सकता है कि आपको ये लगे कि वो आगे निकल जाएगा, लेकिन आप अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग एक ही बेस पे तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट्स उतने ही हैं, क्वेश्चंस उतने ही हैं, आप उसको मतलब उसको कम्पीट कर सकते हो। ऐसा मत सोचना है कि सर अब मैं लेट हो गया हूँ, अब मैं कैसे करूँगा, बाकी लोग तो बहुत आगे निकल गए। ये सब नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखने, गजब से तैयारी कीजिए
और सर एक बात और कि हम लोगों ने अभी एक SSC का जो नेक्स्ट ईयर में होने वाला है उसका एक नया बैच भी अनाउंस किया है और वो 24 से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उस बैच की एक खासियत है सर, अगर वो SSC का बैच, SSC का नया बैच, और उस SSC में मेरा कवर होगा अगर मैं वेस्ट बंगाल का हूँ या जम्मू कश्मीर का हूँ। यही बात मैं बता रहा था कि उस SSC की बैच की ये मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी अन अकेडमी और गेट अकेडमी ने प्लान किया है कि अगर कोई वैकेंसीज प्रीवियसली निकला हुआ था जैसे UPRVNL, UPPCL या BPSC, ये सब एग्जाम्स जो है वो पहले आई हुई थी और ये नेक्स्ट ईयर भी फिर से आएगी, तो ये सभी 13 टाइप के कोर्सेज जो है वो उस पर्टिकुलर बैच में ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो मिलेंगे भी, वो मिलेंगे भी, मिल जाएंगे, वो सब मिल जाएंगे, पूरे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ओके, और प्लस अभी हम लोग SSC 23 लॉन्च किए हैं, ये तो मिलेगा ही, और वेस्ट बंगाल का भी कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया वो भी मिल जाएगा, और अगर कोई एक साल का सब्सक्रिप्शन लेता है तो आगे में जो हम लोग RRB को भी लॉन्च करेंगे वो भी उनको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ तो जो भी अभी 1 ईयर में क्लासेस होने वाली वो मिलेगी, वो मिलेगी, और जो पिछले 1-2 साल पहले जो हो चुकी है जितने भी वैरायटी ऑफ बैचेस वो ऑलरेडी अवेलेबल है, 13 बैचेस हो चुके हैं, 13 बैचेस, 13 बैचेस जो हो चुके हैं वो ऑलरेडी मेरे को मिल जाएंगे, ऑलरेडी मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरे अवेलेबल। ओके ओके, प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो इस चीज को कैसे एडवांटेज में लेते हैं। प्लस 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है सर, अगर कोई 12 महीने का लेता है तो उसको 15 मिलेगा, कोई 1 साल 24 महीने का ले रहा है तो उसको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ये आपका बैच कब से चालू हो रहा है? ये 24 से स्टार्ट हो रहा है, 24 से स्टार्ट हो रहा है। SSC की भी बैच उसी दिन स्टार्ट हो रही है और वेस्ट बंगाल की PSC की बैच भी उसी से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो 24th मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा 4 दिन में से। एक और पॉइंट मेरे को अभी याद आया कि जैसे SSC में जिन लोगों का अभी प्री में जिनका क्लियर हो जाएगा और उनका क्वेश्चन अगर हो कि सर मेरे को मेंस का, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर होता है तो मेरे को कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा SSC मेंस में जितने भी एग्जाम, जितने भी पिछले 10 साल के पेपर हुए SSC मेंस के, वो 10 साल के पूरे क्वेश्चन निकाल लो जिनका प्री में हो जाएगा, और जिनको लगता है कि हो जाएगा, पॉसिबिलिटी जिनको लगती है कि उनको तो तैयारी चालू कर देना चाहिए। प्लस आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस, क्योंकि मैं SSC के कन्वेंशनल क्वेश्चन देखा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते लेकिन बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आते, हो सकता है आपको थोड़े से और अच्छे लगे, मतलब मेरे को तो बहुत आसान दिखते हो क्वेश्चन। तो आप ना ESC के कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन को देख लो, लगभग 40% क्वेश्चन ESC के देख लो, एकदम टफ है तो छोड़ देना, लेकिन ESC के 40% देख लो, SSC के तो पूरे देख लो जितने भी कन्वेंशनल है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा प्री निकल जाएगा वो कन्वेंशनल की प्रिपरेशन चालू कर देना। अगेन बोल रहा हूँ, वेट मत करना कि सर जब मेरा होगा तब मैं प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि अगेन सब लोगों का प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट कम्युनिटी का, सब लोग लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं, कई लोग गेट करने के लिए भी लोग BE कंप्लीट होने का वेट करते हैं और उसके बाद 3-3 साल तक ड्रॉप लेते हैं। मैं बोलता हूँ यार 4th सेमेस्टर में आप गेट क्यों नहीं करोगे, अगर आपको गेट करना है तो आप अभी 24 से भी गेट का भी चालू हो रहा है, 24 से भी 2024 वालों का स्टार्ट हो रहा है, आप ले सकते हो, आप प्लस की क्लासेस ले सकते हो, उड़ान बेच चालू हो रहा है तो 2024 वाले लोग ले सकते हैं, उड़ान बेच ले सकते हैं आप, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और अभी तो यार वैसे भी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तो मतलब हम लोग अच्छा खासा लीड कर ही रहते, और ऑनलाइन दुनिया में हम लोग अनअकैडमी यही लोग तो कंपटीशन में थे, 2 ही लोग का तो कंपटीशन चल रहा था, हमारा और अनअकैडमी का। अब जब हम दोनों साथ में, तो इसका मतलब है कि पूरी फैकल्टी साथ में आ चुकी है, तो सोचिए आपके पास कॉन्टेंट वाइज तो सब कुछ है, आपके पास जिस लेवल का कॉन्टेंट मिलेगा उसको बस आपको यूज करना और एग्जीक्यूट करना है और आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। और मैं तो सबको ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको ना एक एक सब्जेक्ट लिखना चाहिए सर, ऐसा लिखना चाहिए EDC में कौन कौन सबसे बेस्ट टीचर है, कंट्रोल में कौन कौन बेस्ट टीचर है, सिग्नल में कौन बेस्ट टीचर है, फिर कलेक्ट करना चाहिए कि गेट अकेडमी प्लस अनअकेडमी में मैं आता हूँ तो ये कौन लोग है, और आउट ऑफ 10 ना स्कोर करना चाहिए, और उसके बाद ना अपने लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए सर, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी सब लोग ना सिर्फ ना हवाबाजी की बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, पता एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहिए और जितने भी अच्छे फैकल्टी है उनको देखो और नाम नोट करो और फिर सोचो कि यार अब मेरे को डिसीजन लेना है, इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलते हो? इसको आप कंपेयर भी कर लेना, कोई और भी कोई रैंकिंग किया होगा तो उससे भी कंपेयर कर लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है, किसका कंटेंट अभी बेस्ट चल रहा है। सर एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने जून सर एक और चीज़ सर, रात को आज 10 बजे अपना एक सेशन है, हाँ। और ये वीडियो अगर अभी 1 घंटे में आ जाता है तो रात के 10 बजे वाले सेशन को मिस मत कीजिएगा, सभी लोग रहिए उसमें, क्योंकि बहुत ही गजब टाइप की चीजें आपको वहाँ पे बताने हाँ, 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 एक दो चीजें तो सर मैं एकदम मतलब इन लोगों को तूफानी ला दूंगा। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जून 2021 में फर्स्ट टाइम SSC को लॉन्च किया था, उसके साथ ही हम लोगों ने AEJEE को लॉन्च किया था। पिछले 1 सालों में हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया है, जैसे UPPSC का लेक्चरर का एग्जाम मिला था जो इंडिया में कोई भी हैंडल नहीं कर रहा था, हम लोगों ने उसको हैंडल किया, उसमें भी गजब टाइप के रिजल्ट्स है। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा किए थे और इसरो
और डीआरडीओ में डिप्लोमा की सीट्स निकलते हैं उसमें भी उन्होंने किया। मैं उन सबसे ये पूछा कि हमारे कोर्स में क्या खास बात है, तो उन्होंने सबने ये मुझे एक चीज़ ज़रूर से बोला, सर आप लोग जो कंटेंट देते हैं ना वो इंडिया का बेस्ट कंटेंट है। आप लोग के कंटेंट से अगर पढ़े, मान लीजिए आपने पढ़ाया हमको एसएससी के लिए और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं इसरो का, तो आपके कंटेंट से इसरो का एग्ज़ाम भी चल जाता है, आपके कंटेंट से डीआरडीओ का एग्ज़ाम भी निकल जाता है, इंटरव्यू निकल जाती है, लेक्चररशिप के एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं। तो मेंस के लिए भी वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर हम जो तैयारी करवाए हैं प्री का, लेकिन हम लोगों ने वो सारे डेरिवेशन, वो सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं जो मेंस के लिए रिक्वायर्ड है, इसी वजह से हमारा कंटेंट बेस्ट है। तो अगर कोई स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है और वो हमारे कंटेंट से अगर पढ़ता है तो डेफिनेटली वो मेंस भी क्रैक कर लेगा बहुत अच्छे रैंक से। ओके तो आज का हम सेशन कंक्लूड करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग गेट वर्सेस एसएससी बताए कि आपको अपना एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या सुटेबल हो, और आप अगर थोड़े भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स हो तो आपको गेट और एसएससी दोनों को दोनों का प्लान करना चाहिए। और आपको लगता है कि आई एम वेरी वेरी गुड स्टूडेंट तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और एसएससी सब एग्जाम दे सकते हो। सेकंड चीज़ है कि मैं बोला कि स्मार्टली अपना सिलेक्शन करो अपने फ्यूचर का, कि आपको कहाँ क्या ऑप्ट करना है, कैसे अपनी स्टडी करना है। और एक और मैं पॉइंट पर बात रखा कि आप कभी भी, क्योंकि गेट का एग्जाम फिक्स है कि फेब में, लेकिन एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो फिक्स नहीं होता है कब वैकेंसी आएगी, तो आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, आपको वैकेंसी आने का वेट नहीं करना है। एक मैं सीक्रेट बताया आपको इस सेशन का, क्या कि 2023 सबसे गोल्डन टाइम होगा सब एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इस वन ईयर में मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आने वाले एक डेढ़ साल के बाद वो अपॉर्चुनिटी उस बिग वे में ना मिले, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही गुड टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिएगा। और हम लोग आपसे बात भी करते रहेंगे और भी बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। गेट 2024 किसी को ज्वाइन करना है 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और एसएससी का कोई बैच स्टार्ट करना है तो आप 24 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 24 नवंबर से, तो दोनों ही 24 से स्टार्ट हो रहा है। बाकी बताया जा चुका है कि आपके पास इंडिया के बेस्ट टीचर का कलेक्शन है, आपके पास इंटरफेस सबसे बेस्ट है, बाकी तो आप फीडबैक ले सकते हो, रिव्यू ले सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो उड़ान बैच हमारा 24 से गेट का चालू होने वाला है उसमें 52% का डिस्काउंट दे रहा है अनअकैडमी। ओके और उसका आज लास्ट डेट है। अच्छा उसका आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है, तो आज लास्ट डेट है, तो आपको पता ही आपको क्या करना है, तो आप वो डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ फिर भी स्मार्टली अपना डिसीजन लो, जिंदगी का डिसीजन बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बाद में 5 साल बाद आपको रियलाइज ना हो कि आपको कोई ट्रैप कर लिया, आपको कोई बना दिया, तो आप अपने डिसीजन अपने से लो, जो आपके दिल को लगता है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, एनालिसिस करने के बाद उस डिसीजन को आप लीजिए, मेरे को लगता है उसको रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। तो थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।